लगने लगा है अब तो, ये स्वेटर मार रहे हुए हैं, तो ये खाते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों हम देखिए न्यू न्यू स्वेटर पहन लिए हैं और पहन कर तैयारी है खाना बनाने के लिए। तो हम लोग आज क्या बनाने वाले हैं, इधर एंट्री करिए। तो दोस्तों आज हम लोग बहुत दिनों के बाद क्या बनाने वाले हैं, तो दोस्तों हम लोग फिश बनाने वाले हैं। तो दोस्तों जो लोग सबसे पहले दोस्तों उन लोगों से माफी चाहूँगा जो लोग मतलब नॉनवेज चीज से दूर रहते हैं, नॉनवेज चीज नहीं खाते हैं या उससे दूरी बनाए हुए हैं, तो कृपया उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे कि मतलब हमें माफ करें। लेकिन आज हम लोग बहुत दिनों के बाद मछली बनाने वाले हैं। तो जिनको मतलब अच्छा लगता है मछली मतलब वो इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, और किस तरह से हम लोग बनाएंगे दोस्तों वो भी आप सभी को दिखाएंगे। और बहुत दिन के बाद हम लोग मछली बनाए हैं, के बाद हम लोग मछली बना रहे हैं, तो चलिए अभी दिखाएंगे आप सभी को कि किस तरह और से। जो लोग मछली या मुर्गा या नॉनवेज चीज से दूर रहते हैं वो लोग प्लीज इस वीडियो को नहीं देखिएगा। तो चलिए अभी कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों ये रही मछली, और चीकू के पापा जी ना बगल के तालाब में ही से लाए हैं खरीद कर, और ये पड़ा है 130 रुपये के जी। तो आप लोग बताइएगा कि महंगा पड़ा है या ठीक पड़ा है। और ये जासर मछली है देखिए, और बगल के तालाब में ही मिल जाता है वहाँ पे आसानी से। और हम लोग बहुत दिन के बाद बना रहे हैं मछली, ये रही मछली, और इसे हम फ्रेश पानी से धो कर लाए हैं, और इसमें ना अब मसाला को मिक्स करेंगे। तो ये मसाला चीकू के पापा जी पिसवा कर लाए हैं मसाला को, तो इसमें राई, गोलकी जीरा, लहसुन, इसमें सब पूरा मिक्स है। तो अब इसमें से थोड़ा सा निकाल कर इसमें डालेंगे, फिर हो रहा है इसमें हल्दी डाल लेंगे थोड़ा। इसमें ना अब नमक हम डाल देते हैं, और उसके बाद इसे मिक्स कर कर हम कढ़ाई पहले ही चढ़ा दिए हैं गर्म होने के लिए। यहाँ पे देखिए तो अभी गर्म हो रहा है कढ़ाई, हम मिला लेते हैं। दोस्तों कढ़ाई गर्म हो गया है मेरा, और इसमें ना जो मछली में से तेल निकलता है उसी को हम इसमें पहले डाल दिए हैं। तो देखिए पिघल कर तेल सब बन गया, तो हम इसमें फिर से तेल डालेंगे कड़वा तेल, क्योंकि उतना में नहीं ना हो पाएगा इसीलिए, और थोड़ा डाल देते हैं। इसे भी थोड़ा गर्म होने देते हैं, तेल गर्म हो गया, और इसमें अब हम मछली डालेंगे। और बहुत ढेर दिन के बाद बना रहे हैं, बहुत दिन के बाद। तो चीकू के पापा जी बोल रहे हैं कि जल्दी बनाओ, जल्दी खाना है। कम से कम एक महीना समथिंग हो गया ना, इसलिए आपको बहुत खाने का मन कर रहा है। चीकू बेटा इधर आराम कर रही है। चीकू, ए चीकू, ये देखिए इधर विराट है जो कि सो रहा है। तो बहुत लोग कमेंट किए थे कि सुनील भैया आपने एक और कंबल ले लीजिए, तो कुछ दिन में हम ले लेंगे। और क्योंकि अभी ठंड है जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़ रहे हैं, दो दिन से लगातार हम लोग तरफ जो कि ठंडी है वो बढ़ रहे हैं, तो ले लेंगे। एक कंबल है, एक कंबल और ले लेंगे तो हो जाएगा ना गुड़िया। और गुड़िया जी को ठंड लगने लगा है अब, तो ये स्वेटर मार रहे हुए हैं। अभी थोड़ा सा ठंड गिरा है, अभी और ज़्यादा गिरेंगे ठंड, क्योंकि ठंड ऐसा गिरता है ना जानन करते कि सब लगता है कि घर से निकलने नहीं निकलने देता है। और कुहासा में बहुत ज़्यादा मतलब ये क्या बोलते हैं शीत पूरा जम जाता है। हम लोग पढ़ने जाते थे तो साइकिल चला कर जाते थे सुबह सुबह, बहुत ज़्यादा शीत, बहुत शीत ये सब हो जाता है, साइकिल चलाने बहुत मुश्किल होती थी, कैसे चलाएं साइकिल। और दोस्तों आप लोग गुड़िया जी को कभी साइकिल चलाते हुए देखे हैं कि नहीं? अगर नहीं देखें तो कभी, क्योंकि अभी ऑपरेशन हुआ है ना, तो बड़ा ऑपरेशन हुआ है तो मतलब चलाएंगे तो दिक्कत होगा, लेकिन घर पर जाएंगे ना अपना तो साइकिल चलाकर आप सभी को दिखाएंगे। और भैया जी बोल रहे थे कि बाइक हमें सिखा दीजिएगा चलाने के लिए, बोले ठीक है भाई आपको सिखा दूंगा बाइक, बाइक चलाएंगे, साइकिल अभी इनसे संभलेगा नहीं, ये बाइक चलाएंगे। साइकिल संभाल लेते हैं साइकिल, इनको दो को बैठा कर ले जाते थे खुद पास में जाते थे, वो हम मानते हैं। लेकिन इनको आपको आप लोगों को लगता है कि गुड़िया जी मतलब ये बाइक को संभाल लेंगे उलट जाएंगे? नहीं संभाल लेंगे। वो तो शुरुआत में साइकिल चलाने में भी डर लगता था, और संभाल
संभालता नहीं था हमसे साइकिल भी, तो अब संभाल लेते हैं कैसे, उसी तरह से बाइक भी संभाल लेंगे। उसमें वजन होता है, बाइक में वजन होता है, आप अपना जो भी बोल लीजिए, लेकिन नहीं मुझे नहीं लगता कि संभाल लेंगे। और अभी फ्राई कर रहे हैं मछली को, हम मछली को अब देख लेते हैं लाल होगा कि नहीं, अभी देख लेते हैं पलटकर, वो लाल हो गया थोड़ा बहुत, थोड़ा सा और लगने देते हैं उसके बाद पलटेंगे। थोड़ा थोड़ा हिला देते हैं उसको, पलटने में आसानी होगी तो हम हिला देते हैं। और जिन लोगों को खाना होगा तो इसी से लेकर खा लीजिएगा क्योंकि वहाँ से तो आप लोग खाएंगे नहीं। मछली पूरी तरह से लाल हो गया है, देखिए एकदम कलर से दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, और पता ना खाने में कैसा लगेगा बनाएंगे तो यहाँ पर हम लोग खा लेते हैं मछली को। निकाल लिए यहाँ पे मछली, तो यहाँ पे मछली को भून लिए हैं, और यहाँ पे ना हम प्याज और टमाटर काट देते हैं, उसके बाद मसाला डालकर और कढ़ाई में डालेंगे। सबसे पहले धनिया प्याज हम काट दिए पहले ही, और टमाटर बस काटना है, धनिया का पत्ता भी काट लिए, और टमाटर काट लेते हैं फटाफट से। अब दोस्तों हम इस कढ़ाई में अब हम डालते हैं प्याज, तो ये रही प्याज, और इसको हम कढ़ाई में डालेंगे क्योंकि हम सारे मछली भून दिए हैं, और अब प्याज डालते हैं उसके बाद। क्या बोल रही चिकू, क्या पता नहीं क्या बोल रही है हमसे। यहाँ पे प्याज डाल दिए, उसके बाद प्याज को लाल होने देंगे, उसके बाद हम इसमें मसाला डालेंगे। तो अभी प्याज लाल होने में थोड़ा सा वक्त लगता है, यानी 5 मिनट या 6 मिनट लगता है, तो उसे हम प्याज को थोड़ा लाल होने देते हैं। तब तक हम इधर सब मसाले को इकट्ठे कर लेते हैं। तो हम ये रही लाल मिर्च पाउडर, इसमें हम डालते हैं, और चिकू के पापा जी सब मसाले को मार्केट से ही खरीद कर लाए थे, इसलिए ऐसा मसाला है। और ये रही धनिया पाउडर, धनिया पाउडर को डाल रहे हैं, और इधर हल्दी पाउडर, तो हम सारे मसाले को अभी इकट्ठे कर लिए हैं। उसके बाद प्याज भी लगभग हो ही गया है, तो उसके बाद हम मसाला डालकर और मसाले को अच्छे से भूनेंगे। तो डिब्बा को हम बंद कर दिए, और हम प्याज को चला गया अभी थोड़ा सा, और लाल हो गया, तो प्याज भी लगभग लाल हो ही गया, लगभग नहीं पूरी तरह से लाल हो गया। और इसमें अपना मसाला को डालते हैं, तो मसाला के साथ ही टमाटर और धनिया का पत्ता भी डाल लेते हैं, और डालकर हम भूनते हैं, और हम इसी तरीके से मछली बनाते हैं। और आप लोग बताइएगा आप लोग किस तरह से बनाते हैं, और हम तो इसी तरह से बनाते हैं। और इसके बाद ना थोड़ा सा धनिया का पत्ता उतारते समय हम थोड़ा सा डाल देंगे, और इसमें डालकर हम मसाले को भून लेते हैं। मसाला पूरी तरह से हम भून लिए हैं, और लाल भी हो गया है, और सुगंध भी अच्छा निकल रहा है, और एक तो यहाँ पे इंसान है तो
उनको ना हम बहुत ज्यादा ये क्या बोलते हैं लाल सा पकाए खाने के लिए। अरे बहुत दिन हो गए ना इसीलिए पानी डाल देते हैं और इसमें पानी देने के बाद नमक डाल देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिए मेरा करी खोल गया है और इसके अब ना हम मछली डालेंगे। तो ये रही मछली हम ला रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे हमारा जो कि है मछली कड़ी रेडी हो चुके हैं और ऊपर से दोस्तों थोड़ा सा धनिया का पत्ता डाल दिए हैं और मिक्स कर देंगे। कच्चा धनिया का पत्ता खाते हैं तो अच्छा रहता है ना गुड़िया। और गुड़िया देख रहे हैं टॉक से। तो अभी इसे हम निकालते हैं खाने के लिए। तो अभी दोस्तों गुड़िया जी खाना लगा रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए सब्जी इधर लगा दिए और इधर रोटी। तो दो रोटी मैं खाऊँगा और दो रोटी गुड़िया खाएँगी और इसी में से चीकू भी खा लेंगे और मतलब लेना रहेगा तो फिर बाद में खा लेंगे तो फिर ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोग अपने अपने थाल में खाना परोस लिए हैं मछली और रोटी। और जिन लोग को खाना होगा तो इसी में से आप लोग खा सकते हैं। हम लोग को दोनों के थाली में से खा लीजिएगा आप लोग। और बहुत दिन के बाद आज मछली खाने वाले हैं तो देखते हैं खा कर बताते हैं कि कैसा लगता है। और दोस्तों यहाँ पे ना बहुत ही कम स्पेस है जिसकी वजह से हम लोग यहीं पे बनाए और यहीं पे खाना पड़ता है क्योंकि बहुत उधर सामान है जो उधर है जो कि बेड लगा हुआ है और उधर जो कि बर्तन है तो यहीं पर बैठ करके हम लोग खाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा था दोस्तों कि यहाँ सोचा हूँ कि यहाँ पर बगल में है ना जगह छोटा सा एक किचन बना दूँ किसी तरह से मड़ाई झोपड़ी करके बना दूँ। तो अभी हम खा करके बताते हैं कि कैसा बना है। तो ऐसे तो स्वादिष्ट ही बने होंगे गुड़िया जी बनाते हैं तो ज़्यादातर स्वादिष्ट ही होते हैं। तो अभी मैं चख लेता हूँ उसके बाद गुड़िया खाएंगे। कि पहले आप ही खाइएगा पहले हम खाते हैं क्योंकि गुड़िया जी बोलते हैं कि पहले आप खाएंगे उसके बाद हम खाएंगे। तो ये खाते हैं बहुत ही अच्छी बनी है बहुत ही अच्छी क्योंकि बहुत दिन के बाद हम लोग खा रहे हैं ना। और रोटी तो रोटी मछली खाने में बहुत ही मज़ा आता है। तो चलिए फटाफट से हम खाते हैं उसके बाद आप सभी से मिलते हैं। खाइए अभी खाइए इनका फीडबैक लेते हैं कि कैसा है। कैसा एकदम खराब बहुत ही बढ़िया है बहुत ही बढ़िया है बहुत टेस्टी है मछली। चिकू मतलब हम साथ में नहीं खा रहे हैं क्योंकि वो सोई हुई है। बहुत लोग कमेंट कर सकते हैं कि चिकू नहीं खा रही है तो वो चिकू है जो कि सोई हुई है अभी और हम लोग हैं जो कि खा रहे हैं। हाँ। चिकू पहले ही खा ली थी और विराट दोनों सोया हुआ। बहुत अच्छा तो बना है गुड़िया हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। झूठ झूठ गुड़िया जी बोल रहे थे कि खराब बना। दोस्तों इस वीडियो को हम लोग एक घंटे बाद शूट कर रहे हैं और दोस्तों मछली इतना ज़्यादा टेस्टी बनाए थे गुड़िया जी कि हम क्या ही बताएं। देखने में तो मतलब उतना अच्छे नहीं लग रहे थे बट खाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। अच्छे इसलिए लग रहे होंगे शायद कि बहुत दिन के बाद हम लोग खा रहे थे। और दोस्तों उन लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा जो लोग नॉनवेज खाते हैं और ये सब मतलब चीज़ पसंद नहीं करते तो उनको बुरा लगेगा इसलिए हमें माफ़ कीजिएगा। और मतलब हम सोचे कि चलो बहुत लोग बोलते हैं कि कभी बना करके दिखाइए इसलिए हम बना दिए। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ब्लॉग आप वीडियो जो है आप सभी को अच्छी लगी होगी। और अभी हमारे तरफ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है आप भी सेफ्टी से रहें और हम लोग भी सेफ्टी से रहेंगे आप लोग के कहने पर क्योंकि आप लोग बहुत हमें मतलब केयर करते हैं एक तरह बताते हैं रहते हैं कहीं और आप कहीं से हमारा वीडियो देखते हैं बट हमें बताते हैं समझाते हैं सिखाते हैं तो उसके लिए आप सभी को थैंक यू दिल से। और चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं तक रखेंगे और फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो या ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।